प्रिय साथियों, सबको मेरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने वृक्षारोपण के बारे में कुछ पंक्तियां बोलने जा रहा हूँ। प्राचीन काल से ही मानव और वृक्षों का घनिष्ठ संबंध है। भोजन, वस्त्र और गर्म जैसे समस्याओं का समाधान भी इन्हीं वृक्षों से मिली। पेड़ों की लकड़ियां और पत्तियों से घर की छत बनाई। पेड़ों की हरियाली के बिना मानव जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। नींबू, नीम, तुलसी, आंवला जैसे वृक्षों को चिकित्साओं में प्रयोग किया जाता है। इनकी छाल और पत्तियों से अनेक प्रकार की दवाइयां बनाई जाती है। इन दवाइयों को स्वीकार करने से अनेक प्रकार के शारीरिक रोग नष्ट हो जाते हैं। भारतीय संस्कृति में पेड़ पौधों की पूजा करने की परंपरा है। प्राचीन भारतीय साहित्य में वृक्षों का महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास की नायिका शकुंतला वृक्षों का रोपण करती थी। उसी तरह अशोक जैसे दयालु राजाओं ने भी सड़क के दोनों किनारे वृक्ष लगवाए थे। केवल छाया के अलावा बाढ़ को भी रोकने के लिए तथा मिट्टी को उर्वर रखने के लिए पेड़ का स्थान महत्वपूर्ण है। इस प्रकार जुलाई 1 से जुलाई 7 तक हर वर्ष हम वन महोत्सव मनाते हैं। इन दिनों में स्कूलों तथा कॉलेजों में वृक्षों का रोपण करते हैं। हमें भी वृक्षों का रोपण करना चाहिए। धन्यवाद।